बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम ते की हाल चाल है जी थोड़े सब दा। उम्मीद करनी आ कि तुसी सब होगे खैरियत दे नाल ते मैं अपने चैनल ते तुहानू सब नूं खुश आमदीद कहनी आ। और अज जनाब असी एक बड़ी ही फेमस डिश बना रहे हैं, असी बना रहे हैं चिकन रेड थाई करी। और ओदे इनग्रीडियंट्स जिहड़े ने ओह मैं तुहाडे नाल शेयर करनी आ। ओदे वास्ते जनाब मेरे कोल वे लेमन ग्रास है, जो कि मैं उन्होंने इस तरह थोड़ा सारा ज़रा दरदरा कर दिया क्योंकि मैं फ्रेश लेमन ग्रास नहीं मिल सकिया। मैं यदि पेस्ट जी है वह तैयार की हुई है। और यह देखो जी बाजार की पेस्ट नहीं है और यह थाई की पेस्ट है, जो कि बड़ी ही यूनीक है। यदि जी रेसिपी होगी वो तो मेरे चैनल पर फिर दोबारा मिलेगी। रेड वाली मिर्च है जो कि मैं इस शेप के कटिया है। इतने जी साढ़े को वाइट पेपर है, रेड क्रश जी वो चिली है, और यह मेरे को कोकोनट पाउडर क्योंकि मैं कोकोनट मिल्क नहीं मिलिया। और असी इन तैयार करांगे, तुसी देखना कि मैं इन कहीं तैयार करांगी। इधर जी मेरे को रेड कैरेट है, टमाटर है, ब्रोकली है, सब्ज प्याज है, यह मेरे को जी करी पत्ता है, ठीक है जी। यह मैं लेमन लीव्स जड़े ने उन्होंने कट किया क्योंकि ये लेमन का फ्लेवर ऐड करना जरा वे वो जरूरी है। यह जनाब मेरे को 2 टीस्पून शुगर है, मेरे को गार्लिक है क्योंकि 1 टेबल स्पून तो ज़्यादा है, जो कि मैं चॉप्ड किया वे। यह मेरे को जिंजर है, यह भी 1 टेबल स्पून तकरीबन मेरे को मौजूद है जी। यह वाली चिली सॉस है जी असी एड करा, चिकन पाउडर है, नेस्ले का मिल्क पैकेज जो कि कोकोनट मिल्क बनाने वास्ते मैं इस्तेमाल कराँगी। इधर साड़ी को जी वो चिकन स्टॉक है, और यह जनाब मेरे को इतने चिकन है, चिकन जरा वे 1/2 kg तो थोड़ा ज़्यादा है। और असी इनू कर लिया असी बॉयल किया, और ये स्लाइसिस ने बॉयल करके स्टॉक में असी वेस्ट नहीं करा क्योंकि स्टॉक ये ही इस्तेमाल होएगा। तो लो जी हूँ असी स्टार्ट करने अपनी चिकन रेड थाई, और तुसी देखोगे आज की मज़ेदार जी डिश किस तरह तैयार हुई जी। तो हूँ जी असी सब ना पहला ये ऑयल इस्तेमाल करांगे। ये ऑयल का इस्तेमाल जोड़ा वे वो बड़ा ही घट होंदा वे, सिर्फ असी ये जिंजर और गार्लिक नू लाइट गोल्डन जिहा करना वे, ठीक है जी। ओदे वास्ते सानू इत्थे चाहिदा वे ऑयल, जे पहला असी जिंजर ऐड करांगे, फिर ये असी गार्लिक भी ऐड कर देंगे। तुसी चाहो तो तुसी इनू ग्राइंड करके भी पा सकते हो जिंजर नू, मगर मैं इनू इस तरह पा रही हूँ क्योंकि ये जी ओरिजिनल रेसिपी है वो इस तरह ही है। ये असी ऐड कर दिता वे गार्लिक, असी इनू लाइट गोल्डन जरा वे वो करांगे। और चिकन जड़ा है इनू बॉयल करने का मकसद ये वे कि असी कच्चा चिकन ये ऐड नहीं किया और इनू फ्राई भी असी नहीं किया। चिकन नू तुसी स्टॉक के नाल जो बनाओगे एक तो वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी, दूसरा ये वे कि चिकन जड़ा वे वो बड़ा ही मज़ेदार और टेंडर जड़ा वे वो तैयार होएगा। हुण जनाब असी ऐड कर देवांगे अपनी इत्थे रेड सॉस जिहड़ी बनाई हुई है। बजाए कि असी ये पानी ऐड करिए, असी ये स्टॉक ही ऐड करांगे। थोड़ा होर असी ये स्टॉक ऐड करांगे, और ये नाल ही असी ये ऐड कर देवांगे चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जी असी ये कर रहे हैं 1.5 स्पून ऐड, 1.5 टीस्पून ऐड करांगे, और इनू ये कर देवांगे बड़ी अच्छी तरह से मिक्स।
हुण जी असीं इहदे विच ऐड करांगे लैमन ग्रास, हुण असीं इहदे विच ऐड करांगे रेड चिली पाउडर और इहदे नाल ही असीं ऐड कर देंगे वाइट पेपर। वाइट पेपर जिहड़ा मेरे कोल हाफ टी स्पून तो घट है और रेड चिली पाउडर मेरे कोल जिहड़ा वे ओह एक टी स्पून है। हुण मैं इहदे विच ऐड कर रही हाँ कड़ी पत्ता। ऐ जी असीं लैमन लीव्स जिहड़े ने उहनां नूं कट्टिया है और वह इहदे विच इत्थे असीं ऐड कर रहे हैं और असी नाल ही इनू करांगे बड़ी अच्छी तरह इत्थे मिक्स करांगे। असी इनू तकरीबन जिहड़ा वे ओह 5 to 10 सैकेंड पकावांगे ताकि इहदा टेस्ट जिहड़ा वे साडी इस सॉस दे विच आ जाए जिहड़ी पेस्ट वे उहदे विच। और लो जी हुण असी इत्थे स्टार्ट करांगे कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क मैनू मिल नहीं सकिया और उहदा ऑर्डिनेट इहो ही है कि मैं कोकोनट पाउडर लिया और असी मिल्क पैक दुध दे विच असी इहनू पा के इहदा बनावांगे कोकोनट मिल्क। असी जनाब इहदे विच हुण कोकोनट पाउडर ऐड कर देंगे। हुण असी इहदे विच ऐड करांगे तकरीबन 1 ग्लास दुध दा। इहनू अच्छी तरह मिक्स करांगे ताकि इहदे विच लम्स जिहड़े ने उह ना बन सकन। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟ ਸੀ ਉਹ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੌਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇੱਕ ਔਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਡਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਤਲਬ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਥਾਈ ਵੀ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਵੀ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਰਾਨੀਕਾ ਦੇਸ DES ਦੇਸ ਵੇ ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਬਗੈਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਹੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਵੈਤ 'ਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮੂਜ਼ਾਦ ਭੈਣ ਵੇ ਪਲਵਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਇਆ ਅੱਬੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮੂਨ ਵਲੌਗ 112 ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵਾਚ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਕੋਨਟ ਮਿਲਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਚਿਕਨ। ਚਿਕਨ
और इस चीज़ ते आके मैं इधर बेच जिधर बेच चिली सॉस जड़ी वो ऐड करांगी। मेरे को ऐ वाली चिली सॉस है जो कि मैं इधर बेच तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड कर दांगी, क्योंकि मेरा आइडिया हो चुके है बना बना के, लिहाजा मैं इनू बगैर चम्मच दे ही पा रही हूँ। तुसी इस सॉस नू जिधर बे वो टेस्ट भी कर सकते हो, कोई कमी बेशी होए तो तुसी अपनी मर्जी के मुताबिक एदे विच ऐड कर सकते हो। बाकी दा जी असी कोकोनट मिल्क इहदे विच ऐड करांगे। टू टेबल स्पून इहदे विच वाइट शुगर ऐड होएगी। और इस स्टेज ते जरा मैं इनू चेक भी करांगी, क्योंकि मैं इहदे विच हजे तक नमक ऐड नहीं कीता, क्योंकि इहदे विच ऐड असी कीता होया वे चिकन पाउडर, उहदे विच भी ऑलरेडी नमक हुंदा है। थोड़ा नमक इहदे विच ऐड होएगा और इन्नी प्यारी इहदे विच स्मेल वे कोकोनट दी कि मैं कहनी हां कि कमाल है। और जो तुसी इनू बनाओगे खाओगे तो तुहानू इह मजीद अच्छा लगेगा। इहदे विच असी कॉर्नफ्लोर बिल्कुल भी ऐड नहीं करांगे, इहदी इन्नी ही थिकनेस बहुत है, ठीक है जी। और थोड़ा सारा मैं इहदे विच चिकन स्टॉक इत्थे ऐड करांगी, तकरीबन ए हाफ कप है, क्योंकि असी इनू पकाना है ताकि मजीद इहदे विच फ्लेवर जिहड़ा वे वो आ सके। और जनाब इहदे नाल ही असी इहदे विच ऐड कर देवांगे लैमन जूस, तकरीबन 2 टेबल स्पून। थोड़ा जिहा नमक ऐड करांगे असी इहदे विच, बिल्कुल इन्ना सारा सॉल्ट ऐड करांगे। और असी इहनू 1-2 बॉयल आन तक अच्छी तरह पका लवांगे। इत्थे ये भी एक गल करती चलांगी कि यूट्यूब जड़ा वे वो बहुत सारे लोगों वास्ते एक जरिए मुआश बन चुकिया वे, असी होर तो कुछ नहीं कर सकते। असी ये जरूर कर सकने हैं कि ऐसे लोग जिहड़े बेचारे एक वक्त की रोटी भी मुश्किल दे नाल खांदे सन, उन्हां दे चैनल नू जरूर सबसक्राइब करिया करो, उन्हां दी वीडियोज़ नू देखिया करो, उन्हां दी वीडियोज़ तो सानू बहुत कुछ हासिल हुंदा वे। तुसी देखो कि मड हाउस या मड किचन जड़े ने वो अज के दौर किन्ने पॉपुलर ने, हालांकि देहाती जिंदगी नूं लोग यही कहिंदे ने कि यह कोई जिंदगी है ना, बिजली ना पानी ना फोन। मगर मैं कहनी हाँ कि देहात विच रहण वाले लोग उन्हां नूं मैं एप्रीशिएट करनी हाँ कि साढ़े तो किधरे अगे ने, अपनी मेहनत करते ने और अपनी मेहनत नूं वो तुहाडे सब तक शेयर करते ने कि देखो असी किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर फिर भी असी अल्लाह का शुक्र अदा करने हैं। ते लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, हमली रिक्वेस्ट है कि अपने इहो जे लोगों नू जड़ा वे ओ एक ऐसा मैसेज कन्वे करो कि पूरी दुनिया जड़ी है वो इहो जे लोगों दे नाल खड़ी हुई है। जरूरी नहीं कि तुसी किसे नू पैसा दिओ, पैसा दिओगे एक आदत बन जाएगी, तो क्यों ना उन्हूं उहदे पैरां ते असी खड़ा करिए कि आ और अपनी मेहनत कर और अपनी मेहनत दे वल बोते थे अपनी जिंदगी जड़ी है उन्हूं अगे लैके चल, ठीक है जी। तो हुण वापस फिर आने अपनी रेसिपी वाल असी कि हुण मजीद साड़ी जड़ी ग्रेवी है वो कित्थे तक पहुँची। अच्छा जी, हुण असी इस स्टेज ते इहदे च ऐड कर रहे हैं ब्रोकली है मेरे कोल, टोमैटोज़ ने, गाजर मेरी अपनी ऑप्शन है, तुसी पाना चाहो तो पा सकते हो, ना पाना चाहो तो ना पाना। ऐ मेरे कोल जनाब इत्थे जिहड़ा वे ओ ग्रीन अनियन है, यानी कि सब्ज़ प्याज है, वह भी असी इहदे विच ऐड कर रहे हैं। सब ना पहला मैं इहदे विच ऐड करांगी ब्रोकली, इधरों ग्रीन अनियनस, और असी वैजीटेबल्स इहदे विच पा के इनू ओवरकुक बिल्कुल भी नहीं करांगे। फिर असी इहदे विच पा देवांगे गाजर, और गाजर मैं बिल्कुल थोड़ी सारी इहदे विच पा रही हाँ। इत्थे ऐड कर देंगे रेड टोमैटोज़। हुण जनाब असी इनू कर लवांगे मिक्स,
और साड़ी मज़ेदार जी ग्रेवी जड़ी है वो रेडी है। और क्योंकि सब्जियां जड़ियां ने वो पहला ही स्टीम कीतियां हुई ने, लिहाजा ओवर कुक असी इन्हां नू बिल्कुल नहीं कर सकते। ए देखो जी आज दी साड़ी जड़ी है और रेड थाई कड़ी जड़ी है और रेडी है। एदे नाल असी राइस जड़े ने बॉयल किते ने, ग्रीन अनियन दा पार्ट में सिर्फ दम दे विच एदे उत्ते पा दिता सी। उम्मीद करनी आ कि तुहानू मेरी अज दी जड़ी रेसिपी है वो पसंद आएगी। इनू ट्राई करना और अपना फीडबैक भी मैनू जरूर देना कि तुहानू किस तरह की लगी है मेरी रेड थाई करी। एदे नाल ही तुसी मैनू दिओगे इजाज़त। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मिलांगे। दिल ना करना थोड़ा और मेरे चैनल नू लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड वॉच करो और अपने मुकम्मल व्यूज़ मैनू जरूर दिया करो। तो ये जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।